नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, इस बार सदी का सबसे बड़ा ग्रहण पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, जो दोपहर 11:34 से शुरू हो रहा है 19 नवंबर वाले दिन 11:34 से 5:33 तक रहने वाला है 19 नवंबर शुक्रवार। मतलब कि 6 घंटे 59 मिनट, मतलब समझे 6 घंटे ये ग्रहण चलने वाला है। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण है जो वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में पड़ रहा है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये जो ग्रहण है, वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा काफी राशियों के लिए। 5-6 राशियां तो ऐसी है जिनके लिए ये ग्रहण बहुत ही लकी साबित होने वाला है। ऐसे में यदि आप वो उपाय कर लेते हैं जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ से तमाम प्रकार का डिप्रेशन चला जाएगा, चिंता चली जाएगी, आपके मन में कोई अशांति है, उचाट है, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर वास कर रही है, वो दूर हो जाएगी। और यदि चंद्र आपके कोई ऐसी जगह कुंडली में बैठे हैं जिसकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया, लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, माता के साथ आपका आपके मन मुटाव रहता है, माता का आपको शुभ आशीर्वाद नहीं मिलता, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, तो माता के आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्र जिसके दूषित होते हैं उसे माता का आशीर्वाद नहीं मिलता, माता के साथ हमेशा उसका मन मुटाव रहता है और ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुखी ही रहता है। तो आज के दिन दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ अवश्य ही करें, तमाम चीजों में आपको राहत मिल जाएगी। जब चंद्र आपके अच्छे होते हैं, चंद्र दोस्तों आपके मन से जुड़े हुए हैं, तो चंद्र जब आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। आप देखना कितने लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं पर उन्हें कहीं अच्छा नहीं लगता। मैंने खुद कितने लोगों को ऐसे देखा है, जो महिलाएं जो पुरुष एक भटकती आत्मा की तरह जी रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। कितनी बार तो जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्यों इतना भटक रहा है, क्यों ऐसी ऐसी हरकतें करता है, क्यों एक दूसरे को अलग करने की कोशिश कर देता है, क्यों चारों तरफ जहां मान सम्मान नहीं भी मिलता है वहां पर भी जाता है। मतलब वो कुछ ऐसा चाहता है जो उसके पास नहीं है, अंदर से वो खुश नहीं है। जब आपके चंद्र दूषित होंगे तो आप अंदर से कभी खुशी महसूस नहीं करेंगे। आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए। आपका मन कहीं से खुश होना चाहता है पर आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। आप उन खुशियों को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है। ये छोटा सा उपाय है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय अवश्य ही कर लें। आप देखेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर से रिपीट कर दूं, चंद्र आपके मन से जुड़े हुए हैं, जल से जुड़े हुए हैं। जल का एक छोटा सा उपाय आपको बता रही हूं। वैसे दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय खाना पीना निषिद्ध होता है, लेकिन जो कमजोर हैं, जो सगर्भा महिलाएं हैं, उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं लगते हैं। जब आप लोग खाएं पिए तो जरूर खाने पीने की चीज में तुलसी दल मिला लें, जिससे वो शुद्ध हो जाता है, बराबर। ये जो उपाय है दोस्तों, ग्रहण के समय आपको करना है। वैसे मैंने फिर से बताया, यूं तो खाना पीना निश्चित होता है, लेकिन आप किसी चीज को टारगेट करके जब कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे रात्रि के समय यूं तो जागना निश्चित है, लेकिन जब आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, आप किसी चीज को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको रात को जागना जरूरी है। चंद्र से जुड़ा हुआ जल है, जल से जुड़ा हुआ ये अनुष्ठान, ये उपाय है जो आपको करना है चंद्र ग्रहण के समय, ठीक है। वैसे दोस्तों, इस उपाय को यदि आप सोमवार करेंगे तो भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको क्या करना है, इस दिन यदि आपके घर में चांदी का कोई पात्र है तो उसमें आप पानी भर के रखें और उस पानी का यूज करें। यदि चांदी का बर्तन नहीं है तो आपके मटके में जो भी जल है आप उस जल का यूज करें। पानी दोस्तों बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, चाहे आप मटके का लें, चाहे फ्रिज का लें, कहीं का भी आप पानी यूज करें, पानी ठंडा होना चाहिए। यदि पानी कूल नहीं है तो आप कोशिश करें पानी के अंदर थोड़ी सी बर्फ मिलाएं, ठीक है। और आप उस पानी को अपनी अनामिका उंगली, ये वाली उंगली डाल करके 11 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करना। इस दिन दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे मिलता है, आप उसे ठंडा जल पिलाएं। अभी मंत्रित किया हुआ जल यदि आप उसे पिलाते हैं
वो व्यक्ति हमेशा आपके कहे पर चलेगा। आज के दिन दोस्तों, इस समय यदि आप ठंडा जल पीते हैं तो उसकी आपके मन के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट होती है और इससे आपका मन प्रफुल्लित रहता है। अपनी माता को दोस्तों ठंडा जल अवश्य ही दे। आज के दिन कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप भी ठंडा जल पिए। आपके घर आने वाले व्यक्ति को ठंडा जल पिलाए। चंद्र ग्रहण के समय तो आपको ये करना ही है। यदि आप जैसे चंद्र ग्रहण पूरा भी हो जाता है तो भी आप इस उपाय को उसके बाद भी रात तक भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति है, आपका जानकार हो, दूध है, लस्सी है, मठा है, इन चीजों को पिलाएं। इन चीजों का दान करें। ये तमाम दान आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि लेकर के आएंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत बढ़िया बना देंगे। आपके जो बिगड़े हुए रिलेशन है उसे मजबूत बनाएंगे। तो आज के दिन दोस्तों ठंडा पानी जरूर पिए और पिलाएं। उसी के साथ फिर से बता दूं, लस्सी, मठा, दूध, इन चीजों को भी आप अवश्य ही उन लोगों को दे जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, या उन लोगों को जिनसे आप कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या उन लोगों को जो आपसे रूठे हुए हैं। आज के दिन इस समय दरमियान दोस्तों ठंडा पानी देने से, और यदि ठंडा पानी ओम सोम सोमाय मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित होगा तो समझिए जिंदगी भर के लिए आपका काम बन गया। तो जरूर करें इस उपाय को, करते रहें, खुश रहें। जानकारी अच्छी लग जाए दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।